लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एक चुनावी रैली में दिया बयान का विपक्ष ने जमकर विरोध किया है। दिल्ली के जेठाला बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित रैली के दौरान अनुराग ठाकुर ने गोली मारो गद्दारों को के नारे लगवाए थे। इस पर आज लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने विरोध किया और नारे लगवाए, गोली मारना बंद करो, देश तोड़ना बंद करो। लोकसभा की कार्यवाही दोबारा जैसे शुरू हुई, विपक्ष ने नेताओं ने प्रवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर के खिलाफ हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ने विरोध कर रहे सांसदों को संबोधित करते हुए कहा, सभी सांसद हैं, उन्हें सदन में बोलने का हक है, गलत परंपरा मत शुरू कीजिए, सदन के बाहर जो घटनाएं घटती है उसको सदन के अंदर उठाना ठीक नहीं है। लोकसभा में सोमवार को जामिया में हुई फायरिंग का मसला उठा। हैदराबाद से सांसद और एआईएमआई के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सदन में सरकार पर जमकर बरसे और कहा कि ये सरकार जामिया के बच्चों पर जुल्म कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम सरकार को साफ कहना चाहते हैं कि हम बच्चों के साथ खड़े हैं। यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी नेता स्वामी चिन्मयानंद को आज सोमवार को जमानत मिल गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए चिन्मयानंद को जमानत देने का फैसला किया। चिन्मयानंद पर उनके ही कॉलेज स्वामी सुखदेवनाथ विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाले एक छात्रा का यौन शोषण करने का आरोप लगा था। केरल में पहले मामले के साथ भारत में दस्तक दी थी, लेकिन अब राज्य में इसके तीसरे मामले की पुष्टि की गई है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री के सैलजा ने कहा कि कसारगोड के कसगंज जिला अस्पताल में मरीज का इलाज चल रहा है और हालत स्थिर बनाई गई है। पीड़ित शख्स हाल ही में चीन के वुहान से लौटा है। उच्चतम न्यायालय विभिन्न धर्मों में और केरल के सबरीमाला मंदिर सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के बारे में चर्चा के लिए सोमवार को मुद्दे तय करेगा। 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश, दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदायों में महिलाओं का खतना और गैर पारसी पुरुषों से शादी कर चुकी पारसी महिलाओं के पवित्र अग्नि स्थल में प्रवेश पर रोक से संबंधित मुद्दों पर विचार करेगी। निर्भया गैंगरेप मामले में केंद्र की याचिका पर दोषियों के वकील एपी सिंह ने कहा है कि जल्दबाजी में न्याय का मतलब है न्याय को दफनाना। साथ ही दोषियों ने रविवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में दलील दी है कि उन्हें एक ही आदेश के जरिए मौत की सजा सुनाई गई है, इसलिए उन्हें एक साथ फांसी देनी होगी और उनकी सजा पर अलग अलग समय पर क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में आज दिल्ली में सभी दलों के दिग्गज प्रचार के लिए चुनावी रथ पर सवार होंगे। सोमवार को बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी और बीजेपी के फायर ब्रांच नेता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं कांग्रेस की तरफ से सोनिया, राहुल और प्रियंका चुनाव प्रचार का मोर्चा संभालेंगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मॉडल टाउन सीट से बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा ने सोमवार को ट्वीट करके कहा कि आम आदमी पार्टी का नया नाम मुस्लिम लीग होना चाहिए। उमर खालिद, अफजल गुरु, बुरहान वानी जैसे आतंकवादियों को अपना बाप मानने वाले को योगी आदित्यनाथ जी से डर लग रहा है। जामिया मिलिया इस्लामिया में रविवार रात फिर फायरिंग की घटना सामने आई है। ये फायरिंग जामिया के गेट नंबर 5 पर हुई है। बताया जा रहा है कि फायरिंग के दौरान 2 संदिग्ध देखे गए। रात में फायरिंग की सूचना मिलते ही जामिया मिलिया इस्लामिया के बाहर लोग जुट गए और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जामिया में दूसरी बार गोली चलने के बाद छात्रों ने देर रात हॉस्टल से बाहर आकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने पुलिस और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने संकेत दिए हैं कि वो संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ नहीं है, लेकिन एनआरसी और एनआरपी का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि एनआरसी के तहत न केवल मुस्लिम बल्कि इसी के साथ सारे धर्म भी जुड़े हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत एक बार फिर खराब हो गई है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ने से कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और कर्नाटक से बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े एक बार फिर से विवादों में हैं। इस बार हेगड़े ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर हमला बोला है और उनके नेतृत्व में हुए आजादी के आंदोलन को ड्रामा करार दिया है। बीजेपी नेता ने कहा कि पता नहीं कैसे इस तरह के लोगों को भारत में महात्मा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून सीएए के खिलाफ हुई हिंसा में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई का नाम सामने आने के बाद यूपी पुलिस ने इस संगठन के खिलाफ कार्रवाई और तेज कर दी है। रविवार को पुलिस ने मुजफ्फरनगर, मेरठ, बहराइच, हापुड़ और शामली से 10 और पीएफआई के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। सोमवार तक देशभर से कुल 108 पीएफआई सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ने दिल्ली के शाहीनबाग में शनिवार को हुए गोलीकांड की आलोचना की है। साथ ही उनकी आलोचना के बाद उन्हें कुछ लोगों ने ट्रोल किया तो एक्ट्रेस ने चुन चुनकर लोगों को करारा जवाब भी दिया है। सोनम कपूर शाहीनबाग गोलीकांड के बाद खुलकर सामने आई और उन्होंने कई यूजर्स को जवाब भी दिया। मुजफ्फरनगर के भाजपा कार्यकर्ता और पूर्व हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष रह चुके मोनू ठाकुर ने शाहीनबाग को लेकर चेतावनी दी है। अगर 20 तारीख तक दिल्ली पुलिस शाहीनबाग का धरना खत्म नहीं कराती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संगठन हिंदू युवा वाहिनी इस धरने को खत्म कराएंगे। मथुरा में आज 99वीं डांसर सपना चौधरी का कार्यक्रम होना था लेकिन संतों के विरोध को देखते हुए कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। इस कार्यक्रम को लेकर साधु संतों में भारी आक्रोश था। संतों ने कार्यक्रम को रद्द करने के लिए एजीएम को ज्ञापन भी सौंपा था। नोएडा के सेक्टर 20 कोतवाली इलाके में झूठे फैक्ट्री में आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर आई। आग लगने से कई लोग झुलस भी गए हैं जिसमें एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। फिरोजाबाद में SC ST एक्ट से परेशान गांव वालों का पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। गांव में मकान बिकाऊ है लिखा हुआ है, साथ ही नोटिस भी जारी किया गया। गांव वालों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है कि ST उन्हें फर्जी मुकदमों में फंसा रहे हैं जिसकी वजह से अन्य जातियों के गांव छोड़ने को लोग मजबूर हो गए हैं। रायबरेली के हरचंद थाना इलाके में एक बाग से मिले अधजले शव की पहचान बछरावा कस्बे की रहने वाली BSP की छात्रा के रूप में की गई है। अपहरण करने के बाद से रस्सी से हाथ पैर बांधकर उसे जिंदा चलाया गया था। वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है लेकिन हत्या से गुस्साए परिजनों ने शव को लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर रखकर हंगामा किया जिसकी वजह से हाईवे पर जाम लग गया। बदायूं के वजीरगंज थाना क्षेत्र में घरेलू कलह के चलते एक मां ने अपने दो बेटों की हत्या खुद ही कर दी, साथ खुद ही जहर भी खा लिया। घटना की सूचना मिलने पर महिला के मायके वाले मौके पर पहुंचे और सभी को बिसौली प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने दोनों बच्चों और महिला को मृत घोषित कर दिया। सहारनपुर में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हो गई। इनोवा गाड़ी में सवार 3 बदमाशों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की लेकिन बदमाशों ने रुकने के बजाय पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए बदमाशों पर फायरिंग की जिससे मुकीम काला गैंग का शार्प शूटर प्रवीण गोली लगने से घायल हो गया और 2 बदमाशों को कॉबिंग कर गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अमेठी में संग्रामपुर इलाके के सरिया कन्नू में दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया है जहां दबंगों ने मामूली सी बात पर अधेड़ को तब तक पीटा जब तक वो मर नहीं गया। सूचना मिलने पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिरोजाबाद में दबंगों ने घर में खाना बना रही युवती को जबरन उठाकर ले जाने का प्रयास किया लेकिन जब युवती ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने चूल्हे पर रखी गर्म तेल की कढ़ाई उसके ऊपर डाल दी जिससे वो बुरी तरह झुलस गई। चीख पुकार सुनकर आरोपित मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर FIR दर्ज कर लिया है। गाजियाबाद के इंद्रापुरम से एक कार चोरी की घटना सामने आई है। इंद्रापुरम के शिप्रा सनसिटी में कुछ चोर ब्रेजा कार से आए और चोर और फॉर्चुनर कार चुराकर फरार हो गए। चोरों ने महज 20 मिनट के भीतर पूरी घटना को अंजाम दिया। वैसे पूरी घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया।
लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई को न्यूरो साइंस सेंटर बनाने की तैयारी जोरों पे है। संजय गांधी पीजीआई में अब 600 बीमारियों का इलाज हो सकेगा। एम्स की तर्ज पर सेंटर को विकसित करने की कार्य योजना पर काम चल रहा है। राजकीय डिग्री कॉलेज में शिक्षकों की कमी से यहां की पढ़ाई पर लगातार अवरोध पैदा हो रहा है और उच्च शिक्षा विभाग भी लंबे समय से शिक्षकों की भर्ती को लेकर प्रयासरत है। हालांकि कई मामलों पर हाईकोर्ट में याचिका लगने के बाद कई नई नियुक्तियों पर ब्रेक लग गया था, लेकिन अब राज्य के अधिकारियों की माने तो फाइनल डिसीजन किया जा चुका है। हाल में करीब 200 से ज्यादा पदों पर नियुक्तियों के आदेश दिए गए हैं। हालांकि महकमे में 877 पदों पर नियुक्ति की सिफारिश की गई है। रुड़की की लक्सर कोतवाली से तीन तलाक का मामला सामने आया है, जहां मायके वालों से फोन पर बात करने से नाराज पति ने अपनी पत्नी को तीन बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया। कांग्रेस में इन दिनों जमकर घमासान मचा हुआ है। हरीश धामी ने जिस तरह से इंदिरा हृदयेश के खिलाफ मोर्चा खोला है, उसका समर्थन भी हरीश रावत की तरफ से उन्हें मिल रहा है। हरीश रावत ने इंदिरा हृदयेश पर अपनी फेसबुक वॉल पर इशारे इशारों में सवाल भी खड़े किए हैं। हल्द्वानी के गोलापुर क्षेत्र के नरेंद्र मेहरा ने जैविक खेती के बल पर गेहूं की नई प्रजाति को विकसित किया है। सरकार और कृषि विभाग से कोई मदद न मिलने के बाद भी नरेंद्र मेहरा ने नरेंद्र 9 गेहूं की प्रजाति को विकसित कर यूपी उत्तराखंड सहित कई अन्य राज्यों के किसानों तक इस प्रजाति के बीज को पहुँचाया है। दिल्ली में वन नेशन वन फ्लैग वन साउल स्पोर्ट्स इंडिया द्वारा ओपन नेशनल गेम्स 2020 में का आयोजन किया गया। देश के विभिन्न प्रांतों से आए सैकड़ों प्रतिभागियों ने विभिन्न खेल और योग प्रतियोगिताओं का भाग लिया। शामली में कंडेला इंडस्ट्रीज एरिया में पेपर ग्लास बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। महोबा के जैतपुर विकासखंड क्षेत्र में मतदाताओं ने उपचुनाव का बहिष्कार कर दिया। चिकरिया गांव में मूलभूत सुविधाएं न होना चुनाव बहिष्कार की असली वजह बताई जा रही है। गांव में सड़क बिजली और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में गांव वालों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। देहरादून की मुख्य सड़कों पर ई रिक्शा प्रतिबंध होने के बाद लगातार संचालक सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दून शहर में सरकार की ओर से शहर में प्रतिबंधित लगाए जाने के बाद अब 5 महीने बाद ई रिक्शा के रूट तय कर दिए गए हैं। ई रिक्शा के लिए शहर के कुल 31 रूट तय किए गए हैं। कानपुर में नवाबगंज इलाके में स्थित जुगल देवी इंटर कॉलेज में एक छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बता दें कि मृतक कक्षा 9 का छात्र था, उसने क्लासरूम में फांसी लगाकर जान दे दी। लखनऊ के रंजीत बच्चन के हत्यारों को तलाशने में यूपी पुलिस नाकाम रही है। एक दिन बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है। सीसीटीवी फुटेज के सहारे हत्यारों की खोजी लगातार जारी है। रविवार सुबह हिंदूवादी नेता रंजीत बच्चन की हत्या कर बदमाश फरार हो गए थे। अलीगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस कर्मियों के डांस का वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें पुलिस कर्मी जमकर झूमते हुए नजर आ रहे हैं। ड्यूटी के दौरान देखिए पुलिस कर्मी गानों पर मस्त झूमते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल इगलास कस्बे में बसंत पंचमी मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें कस्बा इंचार्ज सौदान सिंह और उनके कांस्टेबलों को ड्यूटी पर तैनात किया गया था। पर इसी दौरान संगीत सम्मेलन में पहुंचकर पुलिस कर्मी ने जमकर ठुमका मारा। बलरामपुर के उतरौला इलाके में शादी में बुलेट न मिलने से नाराज युवक ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। मृतक के परिजनों की तहरीर पर 5 लोगों पर केस दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
चीन से फैले कोरोना वायरस से जहां एक तरफ पूरे विश्व में हलचल मची हुई है, वहीं उत्तराखंड सरकार भी कोरोना वायरस को गंभीरता से लेते हुए विशेष सावधानी बरत रही है। चकराता वन प्रभाग भी अलर्ट पर है और विकास नगर की आसान झील में अलग अलग देशों से आने वाले साइबेरियन बर्ड्स पर चकराता वन प्रभाग द्वारा पैनी नजर रखी जा रही है। हालांकि आसान झील ने भी इन विदेशी पक्षियों में कोरोना वायरस के लक्षण नहीं पाए गए हैं, लेकिन फिर भी वन विभाग कोई जोखिम नहीं ले रहा है। कोरोना वायरस से जूझ रहे चीन ने 10 दिनों के अंदर 1000 बेड का हॉस्पिटल तैयार कर दिया। वुहान शहर में स्थित अस्पताल में सेना के 1400 डॉक्टरों की एक टीम भी सोमवार को तैनात हो गई है और लोगों का इलाज शुरू कर दिया है। चीन के सिचुआन क्षेत्र में सोमवार को आए भूकंप के बाद प्रशासन ने 3 स्तरीय की आपातकालीन प्रतिक्रिया शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि आज यहां भूकंप आया जिसकी तीव्रता 5.1 मापी गई है। वर्ल्ड कप जीतना भारत के कोच रवि शास्त्री का जुनून है और उनका कहना है कि न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अगले 6 वनडे इस साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 विश्व कप की तैयारी का जरिया रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज यान चैंपल ने विदेशों में टीम इंडिया को सफलता दिलाने के लिए भारतीय कप्तान विराट कोहली की तारीफ की है। चैंपल ने कहा कि कोहली के नेतृत्व में भारतीय टीम की एक और खासियत लगातार अच्छा प्रदर्शन करना रहा है। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर स्टार फिल्म बागी 3 का एक और पोस्टर रिलीज हो गया है। ये पोस्टर काफी दिलचस्प लग रहा है। पोस्टर को देखकर ही समझा जा सकता है कि फिल्म में काफी एक्शन होगा। एक्शन से भरी इस फिल्म की लंबी समय से शूटिंग चल रही है और फिल्म के कई सीन भारत से बाहर भी शूट किए गए हैं। अलग अलग जॉनर की एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज हो रही है, जिससे महीने की शुरुआत मलंग से होगी, फिर लव आजकल की बारी आएगी और आखिर में शुक्रवार 28 फरवरी को लगेगी थप्पड़। बड़ी रिलीज की बात करें तो 6 फिल्में इस महीने आएगी। 7वीं फिल्म के रूप में हीना खान की हैक्ट को रखा जा सकता है। मेरठ में PFI और SGIP के 21 सदस्य अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। इसके साथ ही पुलिस बैंक खातों की पड़ताल में जुटी हुई है। बताते चले कि 20 दिसंबर को मेरठ में CAA के विरोध में हुई हिंसा में आरोपी संगठन PFI और SDPI के मेरठ में अब तक 21 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरफ्तार लोगों के पास से भड़काऊ पोस्टर बैनर आदि बरामद हुए हैं। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने चेकियों के दौरान अवैध शराब की तस्करी करने वाली 2 युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस को युवक के पास से 200 पेटी अवैध शराब बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि ये लोग पानी के टैंकर में शराब छिपाकर तस्करी करते थे। पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 10 लाख रुपए आकी गई है। अम्बेडकर नगर में मांझे के हाई वोल्टेज तार में फंसने से बड़ा हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि टांडा इलाके के मधवापुर गांव में पतंग की डोर हाई वोल्टेज तार में उलझने से 2 मासूम बुरी तरह से झुलस गए हैं। गंभीर रूप से झुलसे मासूम को इलाज के लिए लखनऊ ले जाया जा रहा था, जहां एक मासूम ने दम तोड़ दिया, वहीं दूसरी और एक की हालत गंभीर बनी हुई है।